देखो हमने एच यू रख दिया है, अब किस साइज का हम डक साइजिंग आगे का अपना पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। डक साइजिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एक्सेल शीट होनी चाहिए हमारे पास जिसमें हमारा पूरी समरी शीट हो। समरी शीट से हमने ये देखा भाई फ्लैट वन के लिए कितने TR और कितने CFM का यूनिट लगेगा हमारा, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया इनको। TR मैक्सिमम यहाँ तक सेलेक्ट किया हमने, कितना आ रहा है देख सकते हो आप नीचे सब में, 11.1 TR की वैल्यू आ रही है। अब हमने यहाँ से CFM की वैल्यू देखी, CFM आ रहा है टोटल 4583, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें क्या करना होगा, जो हमने यूनिट लगाई अपनी उस यूनिट के अंदर लिखना होगा। तो हमने एट्रीब्यूट से ब्लॉक बनाया हुआ है अपना, एच यू का नंबर दे दिया 01 फ्लैट वन के लिए। TR हमने अभी चेक किया था कितना आया था, 11.2 TR, और CFM कितना आया था, CFM 4600 कर देते हैं हम। अप्लाई किया इसके ऊपर, ओके कर दिया, लग गया ये हमारा। अच्छा आगे तो हमारी सप्लाई चलेगी, पीछे से रिटर्न आएगी होगा। सो अब क्या करना है हमने यहाँ पे सप्लाई के लिए, पॉली लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी। तो हमने अपने डक साइजिंग के लिए एक्सेल शीट में से डेटा लिख दिया है। अब हर एक रूम में जाएगा हमारा, रूम में हम हमें क्या देना होगा, एयर टर्मिनल देने होंगे। अब क्योंकि रेसिडेंशियल है तो एयर टर्मिनल कौन सा देंगे हम, एयर टर्मिनल हमारे पास चार टाइप के होते हैं जनरली। पहला होता है डिफ्यूजर, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास ग्रिल्स, तीसरे होते हैं डिफ्यूजर में एक टाइप आता है लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर, और चौथा आता है रजिस्टर। ये चार टाइप के एयर टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे नहीं, ये आपका क्या हो गया, डिफ्यूजर्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी, ग्रिल्स हो गई, ठीक है। तो आपके ग्रिल्स, डिफ्यूजर, लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर्स और रेजिस्टर, ये चार टाइप के जनरली हमें देखने को मिलते हैं। अब रेसिडेंशियल में हम डिफ्यूजर्स नहीं दे सकते क्योंकि डिफ्यूजर्स लगते हैं हमारे जनरली सीलिंग पे, ग्रिल भी हमारी सीलिंग पे लग सकती है। डिफ्यूजर सीलिंग पे नहीं लग के अगर हमारे वॉल में देने पड़ेंगे तो उनकी जगह पर हम दे दें लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन में फेंकता है, लीनियर स्लॉट इसलिए बोलता है, ठीक है। ग्रिल हमारे पास दोनों टाइप की आती हैं, हम वॉल माउंटेड भी दे सकते हैं, इन जनरल वही दी जाती हैं, या सीलिंग सस्पेंडेड भी दे सकते हैं। आजकल आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान में जहाँ पे हमें पीओपी का वर्क करना होता है, फॉल सीलिंग अच्छी देनी होती है, वॉल पे हम कोई वर्क का पैनलिंग का वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हम वॉल वॉल वाली ग्रिल्स जनरली नहीं दे पाते। तो जो इस HVAC की डक्टिंग होती है ये हम कहाँ देते हैं, सीलिंग पे देते हैं। तो ग्रिल्स जो होती हैं वो सीलिंग पे दे देते हैं, या तो ग्रिल्स दे देते हैं या लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर दे देते हैं। जैसे मेट्रो स्टेशन, मेट्रो में आप चढ़ते हो तो मेट्रो में आपको वो जो ऊपर ग्रिल मिलती है HVAC की, वो जहाँ से चिल्ड एयर आ रही होती है, वो आपकी लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर है, ठीक है, वो भी सीलिंग पे दिया है, उसी टाइप के दे देते हैं, ठीक है, फॉल सीलिंग पे। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा एयर टर्मिनल से कितनी, ये पता करना होगा कितनी एयर टोटल लेके जानी है। वो हमने रूम बाय रूम कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, किसमें, एक्सेल शीट में। जैसे लिविंग रूम का पहले हम स्टार्ट करते हैं, लिविंग रूम में टनेज जाएगा 3.6 TR, और जो CFM जाएगा टोटल 1421.5 CFM जाएगा, 1421 यानी कि 1422 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल CFM जो जाएगा हमारे पास वो कितना है हमें पता है, चलो
1422 है ना सीएफएम मैक्सिमम। हाँ ठीक। अब डिस्चार्ज सीएफएम जो होता है वो फ्लो रेट होता है, फ्लो रेट यानी कि डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का फॉर्म होता है क्यू इज इक्वल टू एवी। ठीक। अब क्यू जो है वो हमारा क्या है, सीएफएम हमें पता है, फ्लो रेट तो हमने निकाल लिया ना कितना है टोटल। सीएफएम की फुल फॉर्म क्या होती है, क्यूबिक फीट पर मिनट। फ्लो रेट हो गया यानी कि वो 1422। अब ए जो हो गया एरिया ऑफ ग्रिल हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ग्रिल का साइज क्या अगर हम देखेंगे तो कैसी होगी, वो रेक्टेंगुलर होगी। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि कितनी थिकनेस की ग्रिल लगा रहे हैं। ठीक है, कहीं 2 इंचेस की 50 mm की लगाई जाती है, कहीं 75 mm की लगाई जाती है, जहाँ पे ज़्यादा लेके जाना था वहाँ पे 100 mm तक की लगाई जाती है, फिर उसके बाद और ज़्यादा आती है वैल्यूज। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं 4 इंचेस की ग्रिल दे रहे हैं हम, 4 इंचेस यानी कि इक्वल टू हो गया 100 mm की विड्थ, 100 mm विड्थ ये वाली। लेंथ नहीं पता, ग्रिल की लेंथ जो होती है वो वैरी करती है, आपकी थिकनेस कांस्टेंट आती है। ठीक है, तो लेंथ कितने लेंथ की ग्रिल लगेगी वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको फॉर्मूले में रखना होगा क्यू इज इक्वल टू ए बी होता है। ठीक, और यहाँ से हमारा एरिया ऑफ ग्रिल क्या आ गया, एरिया ऑफ ग्रिल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एल बी, जिसमें लेंथ नहीं पता, विड्थ हमें पता है कितनी है, 4 इंचेस की है। वी इसमें क्या है, एयर टर्मिनल वेलोसिटी, किसकी, एयर टर्मिनल डक्ट की नहीं, एयर टर्मिनल वेलोसिटी फिक्स्ड होती है। रेसिडेंशियल के लिए आपको मैंने चार्ट दिखाया था, इसरे से 500 से 750 यूनिट। मास फ्लो रेट किसमें था, सीएफएम में था, तो उसकी स्पीड जो होगी वो किसमें होनी चाहिए, जनरल हमारी बाइक की स्पीड किसमें होती है, पूरी बताओ, KMPH, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे यूनिट कौन सी चल रही है, डिस्चार्ज किसमें हमारा, CFM। CFM की फुल फॉर्म क्या है, क्यूबिक फीट पर मिनट। तो स्पीड जो होगी वो किसमें होगी, FPM, फिट पर मिनट। दूसरी एक होती है FPS, फीट पर सेकंड, वो किसकी होती है, FPS में हम वाटर की स्पीड देखते हैं जनरली। अच्छा सो क्यू हमें पता है 1422 इक्वल टू एरिया के लिए हो गया एल इन टू बी इंटू वेलोसिटी कितना हो गया 500। तो एल इन टू बी 1422 डिवाइडेड बाई 500। टू पॉइंट एट कितना आ रहा है, 2.84 एल इन टू बी। अब बी की वैल्यू हमें पता है कितनी थी, बी की वैल्यू है सर फोर इंचेस 4 इंच। यूनिट चल रही है फिट में, तो 4 इंचेस को फिट में कन्वर्ट करने के लिए 4/12 कर दिया हमने। तो एल क्या आ गया यहां से, 2.8 2.844 इंटू 3 करिए 8.8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 8.5 8.5 क्या है यूनिट इसकी, यूनिट में फीट फीट स्क्वायर में।
यानी कि इतने फिट की लेंथ हमें 8.5 फिट की लेंथ चाहिए, ठीक है। एक फिट में स्टैंडर्ड हमने हमारे होते हैं 300 mm, एग्जैक्ट जो होते हैं वो आते हैं 300 4.5 300 4.8 एग्जैक्ट भी आते हैं, ठीक है। फीट में 304.8। अब हमने क्या करना है, पॉलीलाइन लेनी है, पहले लेयर कमांड पे जाना है। लेयर कौन सी लेनी है हमने, लेयर लेनी है SLD, SAD, SAD की फुल फॉर्म क्या होती है, सप्लाई लेयर। SLD क्यों रखा पे? अच्छा खैर, यहाँ से हमारा ये आ गया कि भाई हमें 8.5 फीट की लेंथ लगेगी, तो हम एक ग्रिल ना देके हम क्या देंगे, दो ग्रिल, मल्टीपल ग्रिल्स देंगे, ठीक है। लॉन्गर स्पैन है तो कूलिंग बेटर रखने के लिए मल्टीपल ग्रिल देनी पड़ेगी हमें, तो एक ग्रिल आपकी हो जाएगी 4.25 फीट की और दूसरी भी 4.25 फीट की ग्रिल होगी। तो हमने क्या करना है, रेक्टेंगल पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, ठीक, गलत बना हुआ ना, नहीं कुछ और होगा लेकिन बना है 100% सही है, सही। किस नाम से बना है, ग्रीन नाम से, लेकिन हाँ वो पहला ग्रीन बना है, ये वाला, हाँ ठीक है, सही है साइज, हाँ, अब ग्रिल हमने लिया, ग्रिल कहाँ लगेगा भाई, सीलिंग पे लगेगा। अब इधर चाहे तो दो इधर दे सकते हैं कंटिन्यूसली या इधर की तरफ दे सकते हैं। अब देखो ऊपर ग्रिल आएगी सप्लाई की, तो रिटर्न की भी हमें ग्रिल लगानी पड़ेगी, क्योंकि फॉल सीलिंग में एक एक तरफ मैं देखूँ दूसरी तरफ खाली छोड़ूँ तो फॉल सीलिंग हमें हमारी क्या होगी, खराब लगेगी, इसलिए एक ग्रिल इधर एक ग्रिल इधर सप्लाई की हो जाएगी, सामने अपोजिट में क्या हो जाएगा, इसकी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। या एक सप्लाई इधर एक सप्लाई इधर, या एक सप्लाई इधर एक सप्लाई इधर, ऐसे भी हो सकता है, बट एक तरफ कर लेंगे जिससे कि हमारी डक्ट जो है वो एक एक ही स्ट्रेट निकल जाएगी, हमें डक्ट को ज्यादा बेंड नहीं करना पड़ेगा, ये फायदा होगा। तो इसको रखने के लिए डक्ट कहाँ से आएगी भाई, AHU से, हमने सिंगल डक्ट निकाली, ठीक, किसके फ्लैट का, रेड कलर से मास्टर बेडरूम में भी डक जाएगी, अब जब यहां से डक निकलेगी हमारी तो उसके अंदर CFM किसका होगा,
टोटल सीएफएम होगा, उसको आपको क्या करना होगा, यहाँ टैक्स कमांड से लिखना होगा। कौन सा टैक्स लेते हैं यहाँ पे? टीएक्सटी फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कितना सीएफएम, कितना है 4600 सीएफएम। उसके नीचे क्या आएगा? डक साइज। अब डक साइज कहाँ से लेंगे? डक साइजर से, फ्रैक्शन वो इक्वल फ्रैक्शन मेथड से निकालते हैं हम। यहाँ से इसको चेंज कर दिया किस पे, 75 डिग्री फारेनहाइट, 50% आरएच, फ्लो रेट यहाँ लिखा कितना 40, हेड लॉस कितना था हमारा 0.0, वही तो है, अरे बात हो गई, 0.0 लिखो, 0.08 लिखो। डक्ट डायमीटर पूछ रहा है यहाँ पे, डक्ट डायमीटर हमने कहा हमने रखा 16, ज़्यादा भाग रहा है 24 पे आ रहा है। अब जैसे अगर हमें हाइट इतनी नहीं मिल पाती है तो हम क्या करते हैं फिर, कम कम कर रखने के लिए, हाइट कम रखने के लिए क्या करेंगे, 24 की जगह इसको 20 लिया हमने, 20 पे कितना आ गया 28। तो 20 पे 28 का मतलब 20 जो होगी हाइट होगी, 28 उसकी विड्थ होगी। तो 28 को हमें क्या करना होगा, mm में लिखना होगा, लेकिन तो उसके लिए कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो डक साइज क्या हो गया 700 by 500। रोटेट कमांड, ठीक आ गया। अब इसी के नीचे मैं क्या करूंगा, जो वो ग्रिल आ रही थी हमारी, मैंने कहाँ देनी है ग्रिल, उसके लिए मैंने पहले लाइन बनाई, आ गया। कौन सी ग्रिल देनी है, वाली ग्रिल देनी है, इसको यहाँ पर रखा मैंने, मैंने इस ग्रिल को डबल क्लिक किया, यहाँ पे इसका नाम आ रहा है, इस नाम को आप कर लो कॉपी, कंट्रोल सी कर दिया। डिवाइड कमांड पढ़ाया ऑटोकैड में, इसको हम क्या करते हैं DIV एंटर, एलिमेंट को सिलेक्ट किया, कितने चाहिए हमें, दो, मैं कितने डिवाइड फैक्टर दे रहा हूँ, चार, ठीक है, एक इधर लगेगी एक इधर लगेगी। अच्छा अभी मैं डायरेक्ट डिवाइड भी नहीं करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्रिल को डबल क्लिक किया, यहाँ से नेम को इसके क्या कर लिया कॉपी, डिवाइड कमांड पे गए, सेलेक्ट किया लाइन को, बी एंटर किया, यहाँ से ब्लॉक के नेम को पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद एंटर किया। अब वो क्या कह रहा है, अलाइन ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, हमने क्या अलाइन नहीं करना है, स्ट्रेट स्ट्रेट रखना है अभी तो, हमें हमने नो कर दिया। नंबर ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है, 4 दिए हमने, बीच वाले को डिलीट कर दिया। दो ग्रिल लग गई हमारी, इन दोनों को यहाँ से मूव कर देते हैं, दोनों के बीच में गैप ज्यादा आ रहा है। वो तो रूम का ही गेट हो रहा ना, तो गेट है ना, वो है तो रूम का ही ना, मतलब आउटडोर रूम में तो नहीं जाना ना, इतना कोई बोल। अब या तो इधर रखूंगा तो इधर तो वैसे भी जाएगी ना, या तो ऐसे रख लेंगे ऐसे में और ऐसे में, इधर इधर रिटर्न लगा देंगे, ठीक है। एक ऐसे आ गई, एक ऐसे आ गई, सप्लाई
और इधर दोनों रिटर्न आ गए आपके। अच्छा रिटर्न ना कर लगाते हैं तो अगर गेट भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे नहीं कोई आए कल, ठीक है ये हो गया। अच्छा अब यहाँ से CFM जब निकला तो उसके बाद CFM ड्रॉप हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, कितना CFM गया होगा लिविंग रूम में, कितना टोटल CFM चाहिए था हमें? 1422। उसका आधा इसमें गया होगा और आधा उसमें गया होगा। 1422 का मतलब 711 CFM इसमें चला गया होगा, है ना? इसको कॉपी करके आगे रखा मैंने। इसमें से 711 घटा दो और से 00 माइनस 711 90 388 9 है ना, तो 3 38 3 8 90। तो फ्लो रेट हमारा क्या हो गया 3889। हेड लॉस कितना था हमारा? 0.0। डक साइज पीछे कितना लेके चले थे हम? 20x24 28 का आया था। हाइट हम वही लेंगे, हाइट हमने कितनी ली? 20 20 पे 25 25 का मतलब 26। एक्चुअली क्या होता है, जो हम डक का साइज रिड्यूस करते हैं वो साइज हम 1000 CFM जब हमारा लॉस्ट हो जाता है हम जनरली उसके बाद ही डक साइज को रिड्यूस करते हैं। इससे पहले हमें कोई ऐसा कोई खास एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं मिलता। तो हम यहाँ पे खाली सिर्फ क्या लिखेंगे, सेम साइज की डक लेके चलेंगे बट CFM को चेंज कर देंगे। कितना? 89 है, उसको 90 मान लो। लेकिन जब इससे आगे निकलेगा तो फिर से 4600 माइनस 1400 कितना था? 1422 इससे घटा दो 3178। तो हेड लॉस हमारा और ज्यादा कम हो जाएगा। है ना? जीरो एट ये कितना हो गया? 3178। इसके लिए डक्ट वही लेते हैं हम 20 के लिए 22 हो गए, यानी तो 20 का तो 500 ही रहेगा। 22 का कितना हो जाएगा? 550। ओके इसके बाद जो डक जाएगी वो फिर क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसको कॉपी करके इधर रखा। यहाँ कौन सा रूम है हमारा? मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में कितना CFM है? 1075। तो CFM कितना हो गया? अब इसको सीधा कर लेते हैं। CFM हो गया हमारा 1075। अब डक्टुलेटर पे चलते हैं। और CFM कितना है हमारा? 1075 और 0.0 इक्विवेलेंट डक्ट 14 पे 14 आ रही है और 12 पे 16 आ रही है।
डक्ट साइड सा सेम नहीं लेकिन पूरा फ्लैट एक फ्लैट में तो सेम लेंगे ना 20 पे चल रहा है हाइट में 20 लूंगा तो ये तो बहुत कम हो जाएगी ना। अब ये रूम की डिस्ट्रीब्यूट हो गई मेन डक्ट में जो था वो हम 20 का लेके चल रहे थे ये ब्रांच निकल गई उसमें से ये उसकी ब्रांच निकली ना तो ब्रांच में तो बारह पे 16 12 का तो कितना हो गया 300 16 का कितना हो गया 400। अब इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं देखो या तो ब्रांच में यहां से निकाल सकता हूँ पीछे से और उसको बेंड कर दूं ब्रांच पीछे से निकाल दूं और कॉर्नर से फिर इसके एल्बो लगा के बेंड कर दूंगा या हम एक काम कर सकते हैं डबल डबल फिटिंग देने से बचना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्राउजर दे सकते हैं टी ठीक है वो फिटिंग से भी पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा उसके बाद यहाँ इस रूम में लगेगी बेडरूम वन बेडरूम वन में कितना सी एफ एम जा रहा है फ्लैट रूम वन रूम वन 1416 बेडरूम वन में इतना ज्यादा क्यों जा रहा है भाई ये गलत है हैं बेडरूम वन का गलत है बेडरूम टू ठीक है बेडरूम टू का ठीक है फ्रेश एयर भी देखो कोई खास ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं तो इसको बेडरूम टू ही मान लेते ना सर 670 की फिर उसका वो दोबारा है अभी मैं इसके हिसाब से कर रहा हूँ बेडरूम वन का एक बार दोबारा कैलकुलेट करना बेडरूम वन का मुझे गलत लग रहा है तो खैर कितना था 670 नहीं 1417 रूम टू तो आ गया है ना। अच्छा अब यहाँ इसमें से ये और घट जाएगी 1075 3890 माइनस 1075 कितना बचा 2815 यहाँ का जो सी एफ एम होगा क्लास में बात कितना हो गया 28 दोनों का ऐड करा हुआ है ना भाई जा तो यही रही है पहले तो दोनों का ऐड होके ही जाएगा ना उसमें से 1400 घट जाएगा तो बाकी का उधर चला जाएगा। अब 1400 के लिए हमें निकालना होगा किस साइज की डक्ट लगेगी और डिफ्यूजर जो ड्रिल लगेगी वो किस साइज की लगेगी बना हुआ पहले तो हम ये देखते हैं 2815 के लिए कितना साइज की डक्ट लगेगी ले कैलकुलेशन ही गलत हो गई पूरी ये तो 20 ही चल रहा है ना हमारा 20 पे 26 है ठीक है
ये वाला देखो, 1075। ये भी ठीक है, ये वाला देखो, 2815। और हमारे 20 पे चला था, 20 पे 20 ये आ गया, 20 पे 20 यानी कि 500। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो डक्ट लगेगी वो कितनी कैपेसिटी के लिए लगेगी भैया? Q इज इक्वल टू AV, ठीक है, और Q कितना है? 1417 CFM, यही है। V कितना है? 500 है। अब 1417 इज इक्वल टू ए, एरिया कितना हो गया? एल एल इंटू बी, बी की वैल्यू थी 4/12 इंटू इनटू 500, तो एल कितना हो गया? 1417 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 500। अच्छा, 1.0 आएगा ना, 1.4, 1.417 हजार हो जाएगा ना, ये यहाँ आएगा 1.17 × 6, 1.417 × 6, 8.5 फिट आ गया, 8.5 फिट, 8.5 फिट है। अब इसमें सप्लाई या तो हम एक इधर दे दें और एक इधर सप्लाई दे दें, इधर और इधर रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, लास्ट वाला जो बचेगा उसकी ग्रिल इधर लगा देंगे। अब हमने साइजेस लिख दिए सारे, बस साइजेस लिखने के बाद ये काम आपको करना है, इतना साइज के बिना काम नहीं करना। हाँ, बिना डक साइजर के काम नहीं चलेगा, खाली ग्रिल ग्रिल निकालने से काम नहीं चलेगा, मुझे डक साइज भी निकालना होगा क्योंकि DLD के लिए मैं ऑफसेट करूंगा इनको। जब ये जो वैल्यू लिखी है 500, तो हाइट है, हाइट प्लान में दिखेगी नहीं, एलिवेशन में आएगी। हाइट कितनी, विड्थ कितनी है? 700 है, 700 का मतलब 350 एक तरफ, 350 दूसरी तरफ ऑफसेट होगा। ठीक है, तो सब 350, जब 350 पर ऑफसेट होगा तो ये इसको कवर कर लेगा अपने आप, नीचे लगेगी, डक्ट ऊपर से जा रही होगी, उसकी ग्रिल जो होगी वो नीचे लग जाएगी बस। और ये आगे पीछे भी थोड़ी बहुत लग सकती है, ये थोड़ा सा इधर होगी भी लग सकती है। फिर इसको इससे क्या किया जाएगा, एक फ्लेक्सिबल डक्ट से कनेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, वो इस टाइप से दिखता है, अगर वो देखना होगा तो वो रैबिट वगैरह में देखा बनाया जाता है, 3D मॉडल उसमें दिखता है। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो, इसको फ्लेक्सिबल डक्ट कनेक्शन कहते हैं, ये लगी हुई जैसे। ठीक है, तो मे बी पॉसिबल है नीचे ही अटैच कर दी गई हो, या हो सकता है फ्लैक्सिबल से अटैच करके लगी हो। ठीक है, आया समझ में? तो हम्म,
तो पहले आप ये बना के लेके आओ पूरा लाइन जिसमें आपने साइजेस लिखे हुए हों पूरे, ठीक है। इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ अभी, इस वाले फ्लैट का हो गया है, ठीक। आपने इसी तरीके से बाकी फ्लैट्स के निकाल के लेके आने हैं, ठीक है।